बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, तीन नफर शातिर चैन स्नैचर वांछित अभियुक्त दल को थाना गाजीपुर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। डीसीपी उत्तरी ने की इनाम की घोषणा। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने तीन शातिर अभियुक्त चैन स्नैचर व स्कूटी से अचानक आकर पर्स छीन कर भाग जाने वाले को दबोच लिया है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर भूतनाथ चौकी प्रभारी हर रोज की तरह आज भी गश्त कर रहे थे कि मुखबरी ने सूचना दी कि तीन लड़के जो संदिग्ध हैं, कई बार सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे हैं, जिनको पुलिस ढूंढ रही है। इस तरह के हुलिया वाले लड़कों को अगर पुलिस सक्रियता दिखाए तो भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के नीचे लड़के गिरफ्त में आ सकते हैं। तुरंत आनन फानन में चौकी प्रभारी शैलेंद्र कुमार पांडे ने थाने में सूचना दी और खुद मौके पर पहुंचे। तीनों तरफ से घेराबंदी करके तीनों लड़कों को लगभग 11:40 पर शालीमार चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि हम लोग अक्सर इधर आकर सुनसान जगह तलाश करते थे, जहां पर महिलाएं निकलती थी। मौका पाते ही चैन घसीट कर भाग जाते थे व पर्स भी छीन लेते थे। तीनों अभियुक्तों का नाम मोहम्मद अल्ताफ उर्फ कल्लू रुदौली जिला अयोध्या, उम्र 22 वर्षीय है। मोहम्मद हाशिम पुत्र मोहम्मद इस्लामुद्दीन निवासी चिनहट लखनऊ, मोहम्मद सलमान पुत्र अब्दुल गफ्फार बीबीडी जनपद लखनऊ, उम्र 22 वर्षीय। तीनों अभियुक्तों के पास एक सोने की चैन, एक पैन कार्ड, एक श्रम कार्ड, आधार कार्ड, लिपस्टिक, कंघी, पीले रंग का लेडीज पर्स, एक अपाचे मोटरसाइकिल जिसकी गाड़ी की संख्या UP 32 DC 5987, कई धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। डीसीपी उत्तरी SM कासिम आब्दी ने पुलिस टीम को 10,000 नकद देने की घोषणा भी की, जिससे पुलिस का मनोबल ऊंचा रहे और अपराध करने वालों को कड़ा सबक सिखाते रहे। गाजीपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तेजतर्रार भूतनाथ चौकी प्रभारी शैलेंद्र कुमार पांडे ने अहम भूमिका निभाई। इन चोरों को पकड़ने में कई दिनों से तलाश जारी थी और आज बड़ी कामयाबी मिली। उपनिरीक्षक अजीत कुमार, चौकी प्रभारी सर्वोदय नगर, उपनिरीक्षक इरशाद अहमद पॉलिटेक्निक चौकी प्रभारी, उपनिरीक्षक अंकित कुमार, उपनिरीक्षक हेमेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव, कांस्टेबल सहित चौधरी के सूझबूझ से तीनों अभियुक्त शातिर सलाखों के पीछे पहुंचे। किस तरह से घटना को कारित करते थे, कौन लोग हैं ये और इनके ऊपर क्या आपराधिक इतिहास है? ये थाना गाजीपुर में दो मुकदमे पंजीकृत हुए थे, एक पर्स स्नैचिंग का और एक चेन स्नैचिंग का, जिसका सफल अनावरण हुआ है। तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम है, पहला व्यक्ति जो है, पहला जो मुलजिम है, इसका नाम है मोहम्मद अल्ताफ, ये रुदौली जनपद अयोध्या का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति है हासिम, जो कि चिन्हट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और तीसरा जो व्यक्ति है, इसका नाम है मोहम्मद सलमान, जो कि चिन्हट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये सभी चिन्हट में फल और सब्जियों की दुकान लगाते हैं और इन्होंने गाजीपुर थाना क्षेत्र में भूतनाथ के पास घटना को अंजाम दिया था। दो अलग अलग घटनाएं थी जिनके बाबत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, 387/22 और 396/22। इनका सफल अनावरण हुआ है। ये जो व्यक्ति पकड़े गए हैं, ये रेकी करते थे और जहां पर भी सुनसान जगह देखते थे वहां पर ये स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये जो गाड़ी का नंबर है उसको अपने पाँव से छुपा लेते थे या उससे उसके ऊपर मिट्टी लगा करके उसको छुपा लेते थे। और इसके साथ ही ये लोग एक डंडा भी रखते थे कि यदि जो सामने वाला व्यक्ति है, महिला है, यदि वो रेजिस्ट करे तो उसके साथ ये लोग मारपीट की घटना को भी अंजाम देते थे। ये तीनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन पहले भी इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद अल्ताफ है, इसके विरुद्ध दो मुकदमे रुदौली में पहले दर्ज हैं। मोहम्मद हासिम, इसके विरुद्ध भी एक मुकदमा चिन्हट में दर्ज है और सलमान के विरुद्ध भी दो मुकदमे चिन्हट में दर्ज हैं। इन सभी को आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो गिरफ्तारी की टीम है, ये सराहनीय कार्य पर, इनको 10,000 रुपये मेरी तरफ से इनाम के रूप में दिया जा रहा है। हाँ, बताया जा रहा है कोई ढोल बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट भी रखते थे, जिससे लोग किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए चेन घसीटना ये सारी चीज़ें करते थे? जी हाँ, एक डंडा इनके पास रहता था, जो हम लोग को फुटेजेस में भी दिखा था। ये साथ अपने डंडा रखते थे और कोई रेजिस्ट करता था तो इसी डंडे का उपयोग करके वो उसके ऊपर बात भी करते थे।